नमस्कारम्। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम्। गोविंदा गोविंदा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। 71வது தசகம் கேஷ வியோம வத வர்ணனம். முதல் 7 ஸ்லோகம் இந்த தசகத்துல கேஷி வதம் பற்றியும், 8-10 வியோம வதம் பற்றியும் இதுல பார்க்கலாம். முதல் ஸ்லோகம் இப்ப பார்க்கலாம். யத்னேஷு சர்வேஷ்வபி நாவகேஷீ கேஷீச போஜே சிதுரிஷ்ட பந்து त्वं सिन्धुजावाप्य इतीव मत्वा संप्राप्तवान् सिन्धुज वाजिरूपः। इरंडावदु श्लोकम्। गंधर्वतामेश गतोपि रूक्षैः नादै समुद्वेजित सर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाटीं प्रमर्द्य पाप पुनरापतत्वाम्। मूत्रावद श्लोकम्। तार्क्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव तार्क्ष्य एष चिक्षेपवक्षो भुवि नाम पादम् भृगोपदाघातकथां निशम्य स्वेनापि शक्यं तदितीव मोहात्। 4வது श्लोकम्। प्रवञ्चयन्नस्य कुराञ्चलं द्राक् अमुं च चिक्षेपिथ दूरदूरं सम्मूर्छितोऽपि ह्यतिमूर्छितेन क्रोधोष्मनाकादितु मादृतस्त्वाम्। 5வது श्लोकम्। त्वं वाह दण्डे कृतधीश्च बाहा दण्डं न्यदास्तस्य मुखे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गतासुः सप्ति भवन्नप्ययमैक्यमागात्। 6வது श्लोकम्। आलम्भमात्रेण पशो सुरानां प्रसादके नूत्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवु केशवनामधेयम्। 7வது श्लोकम्। कंसायते शौरि सुतत्वमुक्त्वा तं तद्वधोक्तं प्रतिरुध्यवाचा प्राप्तेन केशि क्षपनावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः। 8வது श्लोकम्। कदापि गोपैः सहकाननान्ते निलायनक्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मजप्राप दुरन्तमायो व्योमाभिधो व्योमचरोपरोधी। 9வது श्लोकम्। सचोरपालायितवल्लवेषु चोरायितो गोप शिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा पिदधे शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितो भूत्। 10வது श्लोकम्। एवं विधैश्चाद्भुत केलिभेदैः आनन्दमूर्चा मतुलां व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमं परात्मरूपिन् पवनेशपायाः। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं। गोविन्दा गोविन्दा
नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।